प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रतिनिधिमंडल का किया स्वागत। कहा इस यात्रा से भारत और अमेरिका के संबंधों का नया अध्याय खुलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप का आगरा में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया स्वागत। प्रदेश की संस्कृति और लोक संगीत की झलक देखकर अभिभूत हुए अतिथि। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने फिरोजाबाद में कहा कि नवाचार युक्त और रोजगार देने वाली होगी नई शिक्षा नीति। शिक्षा में बदलाव के लिए 42 लाख शिक्षकों को किया जा रहा है प्रशिक्षित। और सोनभद्र में कल देर शाम हुई भारी ओलावृष्टि, जनजीवन हुआ प्रभावित। गेहूं, सरसों, दलहन, तिलहन की फसल को नुकसान की आशंका। नमस्कार, मैं हूं मोनिका चौहान और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में आयोजित नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल और परिजनों का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप की ये यात्रा भारत और अमेरिका के संबंध का नया अध्याय है, एक ऐसा अध्याय जो अमेरिका और भारत के लोगों की विकास और समृद्धि का नया दस्तावेज बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में आयोजित नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल और परिजनों का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप की ये यात्रा भारत और अमेरिका के संबंधों का नया अध्याय है, एक ऐसा अध्याय जो अमेरिका और भारत के लोगों की विकास और समृद्धि का नया दस्तावेज बनेगा। ये धरती गुजरात की है, लेकिन आपके स्वागत के लिए जोश पूरे हिंदुस्तान का है। ये उत्साह, ये आसमान तक गूंजती आवाज, ये पूरा वातावरण एयरपोर्ट से लेकर के यहां स्टेडियम तक, हर तरफ भारत की विविधताओं के रंग ही रंगा हुआ नजर आ रहा है। और इन सब के बीच प्रेसिडेंट ट्रंप, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप, इवांका और जेरेड की उपस्थिति प्रेसिडेंट ट्रंप का अपने परिवार के साथ यहां आना भारत अमेरिका रिश्तों को एक परिवार जैसी मिठास और घनिष्ठता की पहचान दे रहा है। इंडिया यूएसए रिलेशंस आर नो लॉन्गर जस्ट अनदर पार्टनरशिप, इट इज ये फार ग्रेटर एंड क्लोजर रिलेशनशिप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज 130 करोड़ भारतवासी मिलकर न्यू इंडिया का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी युवा शक्ति आकांक्षाओं से भरी हुई है और बड़े लक्ष्य रखना, उन्हें प्राप्त करना आज न्यू इंडिया की पहचान बन रहा है। आज 130 करोड़ भारतवासी मिलकर न्यू इंडिया का निर्माण कर रहे हैं। हमारी युवा शक्ति एस्पिरेशन से भरी पड़ी हुई है। बड़े लक्ष्य रखना, उन्हें प्राप्त करना आज न्यू इंडिया की पहचान बन रहा है। आज भारत में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम ही नहीं है, आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम भी चला रहा है। आज भारत में दुनिया का सबसे बड़ा
सोलर पार्क ही नहीं बना का बदला, लेकिन आज भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सैनिटेशन प्रोग्राम भी चल रहा है। आज भारत एक साथ सबसे ज्यादा सैटेलाइट भेजने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ही नहीं बनाता रहा, आज भारत सबसे तेज फाइनेंशियल इंक्लूजन करके भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। 21वीं सदी में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर सोशल सेक्टर, हम ग्लोबल बेंचमार्क को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज इस देश के साथ भारत की सबसे व्यापक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप है तो वो देश है अमेरिका। आज चाहे डिफेंस हो, एनर्जी सेक्टर हो, हेल्थ हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, हर क्षेत्र में हमारी रिलेशनशिप का दायरा निरंतर बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भव्य स्वागत के लिए सभी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि वो और उनकी पत्नी मेलानिया स्वागत को हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कठिन श्रम से भारत किसी भी काम को पूरा कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत पूरी मानवता को आशा प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 6 गुनी बढ़ी है और पिछले दशक में भारत में 230 मिलियन लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ दोनों देश मिलकर काम करेंगे। Since the turn of the century, India's economy has grown more than 6 times in size. In a single decade, India has lifted over 270 million people out of poverty. Under Prime Minister Modi, for the first time in history, every village in India now has access to electricity. 320 million people, more Indians, are right now connected to the internet. The pace of highway construction has more than doubled. Over 70 million more households, think of this, 70 million more households have access to cooking fuel. 600 million more people have access to basic sanitation. And incredibly, 12 Indian citizens are lifted out of extreme poverty every single minute of every single day. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 दिन की भारत यात्रा पर अहमदाबाद पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप का स्वागत किया। ट्रंप के साथ उनकी पत्नी, बेटी, दामाद के साथ 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भारत दौरे पर आया हुआ है। 22 किलोमीटर लंबे रोड शो के बाद साबरमती आश्रम पहुंचे। इस 22 किलोमीटर लंबी यात्रा में सड़क के दोनों किनारे लाखों की संख्या में लोगों ने ट्रंप का स्वागत किया। इस दौरान स्थानीय लोक कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। साबरमती आश्रम पहुंचकर ट्रंप ने बापू को सूट की माला पहनाई और विजिटर बुक में अपने संदेश लिखे। साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी मेलानिया ने भी अपने संदेश लिखे। राष्ट्रपति ट्रंप ने साबरमती आश्रम में चरखे पर सूट काटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्रम में महात्मा गांधी के 3 बंदरों की प्रतिकृति से राष्ट्रपति ट्रंप को अवगत कराया और विस्तार से इसके बारे में जानकारी। Although Gandhi ji lived here for 13 years, he didn't have a room to himself. He spent most of came to be known as Mahatma Gandhi. And this is the symbol of self-reliance for empowerment and dignity of labor. President Trump and the First Lady giving it a try. It also has great spiritual significance. Gandhi ji used to say, "One hour spent in spinning is a buzz with excitement." For most people, trying the charkha for the first time can be a little unnerving, but once you get used to it, you understand what Gandhiji meant. In fact, it has been called the livery of our freedom. That is what Khadi signifies for us. These international visitors. In the visitor's book, this perhaps is the openness that he took.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज दोपहर बाद ताजमहल का दीदार करने के लिए आगरा पहुंचे। उनके साथ उनकी बेटी, पत्नी मेलानिया, बेटी इवांका और दामाद सहित 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आगरा पहुंचा। ट्रंप के स्वागत के लिए व्यापक और भव्य तैयारियां की गई थी। विमान से आगरा एयरफोर्स स्टेशन पहुंचने पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए 3,000 कलाकारों ने प्रदेश की संस्कृति की झलक प्रस्तुत की। इसमें मयूर नृत्य और रसिया लोक नृत्य शामिल है। आगरा शहर के हर चौराहे और तिराहे पर भारत और अमेरिका के झंडे लगाए गए थे, जबकि सड़क के किनारे दर्शक और छात्र छात्राएं दोनों देश के ध्वज को लहराते थे। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक विराम। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आया। विराम के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं समाचारों में आगे। फिरोजाबाद में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने भाजपा सरकार की नई शिक्षा नीति और शिक्षा के सुधार पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मोदी जी के आने के बाद से समय के साथ साथ देश बदल रहा है। फिरोजाबाद में एसआर के शिक्षण संस्थान के शताब्दी समारोह की स्वर्णिम बेला के अवसर पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिनेश शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि गैर भाजपा सरकारों में परीक्षाओं में नकल इमला बोलकर कराई जाती थी और पूरे वर्ष में मात्र 4-5 महीने ही पढ़ाई होती थी, लेकिन हमारी सरकार के आने के बाद से शिक्षा में सुधार के काम किए गए हैं। पूरे प्रदेश में एक ही कोर्स लागू किया गया है। अब वर्ष में 220 दिन पढ़ाई कराकर परीक्षा नकल विहीन कराने का काम किया जा रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में शिक्षा को रीढ़ की हड्डी बताते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति नवाचार युक्त, रोजगार युक्त और दुनिया को शिखर पर पहुंचाने वाली होगी। उन्होंने कहा कि 42 लाख से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का काम किया जा रहा है। आईएएस की परीक्षा आसान होगी, लेकिन शिक्षक की परीक्षा आसान नहीं होगी। पूरे भारतवर्ष में जहां नई शिक्षा नीति लाने की घोषणा हमारे मानव संसाधन मंत्री जी ने की है, वही उत्तर प्रदेश में हम सब ने ये निश्चय किया कि गुणवत्ता पर शिक्षा हो, सुखी मन शिक्षक हो, तनाव मुक्त विद्यार्थी हो और नकल विहीन परीक्षा हो, कि हमें पठन पाठन में शुचिता लाना है। और आप सबको बताने में मुझे गर्व की अनुभूति होती है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा में चल रहा था कि एक किताब अगर लखनऊ की है, डॉक्टर अनिल जैन ने लिखा है, सब्जेक्ट की मान लें विज्ञान की है, तो फिरोजाबाद में चलने वाले की किताब के लेखक है अनिल जैन जी, तो आगरा के लेखक दिनेश शर्मा हो गए और कहीं दूसरे जिले के लेखक डॉक्टर पोखरियाल हो गए। एक सब्जेक्ट के हर जिले में अलग लेखक बिका करते थे, मन चाहे दामों पर वो पुस्तकें बिका करती थी। ये सौभाग्य था कि हम सब ने एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को बदला, एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में हमने अपने यहां के कोर्सों को बदला और सब जगह एनसीईआरटी के कोर्स को लागू किया। और लागू करने के बाद जो स्थिति हमारे सामने आई वो ये थी कि जो पुस्तकें हमारी 20 साल पहले उत्तर प्रदेश में बिका करती थी एनसीईआरटी की या अन्य सब्जेक्ट की जो पुस्तकें बिकती थी, आज से 20 साल पहले हमने पारदर्शी व्यवस्था रखी और उत्तर प्रदेश की जो आज किताबें मिलती है उनका रेट 20 साल पहले वही रहा होगा जिसका रेट में आज हमारे पुस्तकें मिल रही है। चंदौली के सैयदराजा में केंद्रीय कौशल विकास मंत्री डॉ. महेंद्र पांडे ने लोक निर्माण विभाग द्वारा 41 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से 35 सड़कों का लोकार्पण और 26 सड़कों का शिलान्यास किया। डॉ. महेंद्र नाथ पांडे ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विकास के लिए जो भी जरूरी है उस कार्य को प्राथमिकता के तौर पर किया जाएगा।
बाद में मीडिया से उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, इसलिए शाहीन बाग जैसे प्रदर्शन हो रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा द्वारा पाकिस्तान के राष्ट्रपति से मिलने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेसियों का पाकिस्तान से पुराना लगाव है। उन्होंने कहा कि श्री सिन्हा के संस्कार विहीन होने के कारण भाजपा ने उन्हें दूर कर दिया था। इस देश के अंदर कुछ लोग मुद्दा उनके पास नहीं है, मुद्दा विहीन राजनीति कर रहे हैं। जिस बात के लिए ये धरने हो रहे हैं उसका कोई अंदेशा ही नहीं है। भारत के नागरिकों पर यह धारा लागू ही नहीं होनी है। भारत में शरण लिए हुए जो लोग हैं, धार्मिक उत्पीड़न के शिकार, उन पर लागू है। तो इसे इस रूप में मैं उन लोगों से अपील करता हूँ कि इस रूप में देखें। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शाहजहांपुर में प्रदेश के वित्त और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बेसहारा और कमजोर लोगों को आश्रय देने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत 100 लोगों की क्षमता वाले आश्रय स्थल का लोकार्पण किया। इसके साथ ही एक दर्जन कार्यों का लोकार्पण कर शहरवासियों को कई सौगात दी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि अभी तक बेसहारा कमजोर लोग खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर होते थे, अब उनके लिए यह आश्रय स्थल गर्व से जीने का मौका देगा। श्री खन्ना ने दावा किया कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था सुधरी है और सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है। तेरह लोकार्पण हुए और एक सबसे बड़ा लोकार्पण तो यह है, ये आश्रय स्थल रैन बसेरा जिसको कहते हैं बोलचाल की भाषा में, उसका भी लोकार्पण हुआ जो काफ़ी दिनों से प्रतीक्षित था। साथ साथ ये 100 बेडों का आश्रय स्थल शाहजहांपुर का, जो अभी तक हम टेम्परेरी आश्रय स्थल बनाते थे, कहीं टेंट लगाते थे, कहीं अलग से व्यवस्था करते थे, अब ये परमानेंट आश्रय स्थल बन गया। इसमें वो लोग जिनके पास अपनी छत नहीं है वो लोग यहाँ पर लाभान्वित हो सकेंगे, वो लोग ये महसूस भी करेंगे कि शाहजहांपुर में उनके लिए भी कोई कहने वाला है, उनकी कोई सोचने वाला है। ख़ास तौर से जो डेली मजदूरी करते हैं लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो गांव से आते हैं और यहाँ इधर उधर फुटपाथ पर कहीं किसी बरामदे में, कहीं किसी मंदिर में, किसी धर्मशाले में रात बिताते हैं, उन लोगों के लिए एक सबसे बड़ी सुविधा हो गई कि ये सुविधा उन लोगों के लिए। बीती रात अचानक मौसम के बदले मिजाज से हुई भारी ओलावृष्टि से सोनभद्र जिले के कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हो गया। देर शाम तेज आंधी और पानी के साथ लगभग आधे घंटे तक ओलावृष्टि होती रही, जिससे पहाड़ों की तरह सड़कों पर बर्फ की चादर सी फैल गई। सड़कों पर लगभग 3 इंच मोटी परत से आवागमन भी प्रभावित रहा। इस प्रतिकूल मौसम से खेत में खड़ी फसलों को भारी क्षति बताई जा रही है। लोगों का मानना है कि इतनी ज्यादा मात्रा में ओलावृष्टि पहले कभी नहीं देखने को मिली। अगर कुछ बनने की ललक हो और कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति हो तो उम्र का कोई बंधन नहीं होता, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है गोंडा के इटिया थोक क्षेत्र के दुलमपुर बनकटवा गांव के रहने वाले 78 साल के बुजुर्ग रामकरण प्रजापति ने। वो बहुत ही गरीब परिवार से हैं और पेशे से कुम्हार हैं। उन्होंने सन 1997 में हाईस्कूल की परीक्षा पास की थी। रामकरण के 2 बेटे हैं जिसमें से एक बेटा साइकिल का पंक्चर बनाने का काम करता है। रामकरण ने इस वर्ष इंटरमीडिएट की परीक्षा कलावर्ग से पास करने की मन में ठानी है और वो परीक्षा के लिए घर पर पढ़ाई कर रहे हैं। आज के समय में जहां लोग नौकरियों के लिए पढ़ाई छोड़ देते हैं, वहीं 78 साल के बुजुर्ग रामकरण ज्ञान बढ़ाने के लिए इंटर की परीक्षा में बैठ रहे हैं। लेकिन हमारी इच्छा रहा कि इंटर कर ले तो और अच्छा है, कोई सर्विस मिले चाहे ना मिले, हिंदी
हिंदी। तैयारी कैसे करो तो दादा, कैसे पढ़ रहे हो? प्राइवेट ये घर है, मट्टी काम जो है कर के दी थे, बर्तन बर्तन थे, पंचर बनावे थे उन्होंने। ICICI बैंक लूटकांड के मुख्य आरोपी 1.5 लाख के इनामी बदमाश फिरोज पठान को एसटीएफ की गोरखपुर इकाई ने लालगंज थाना क्षेत्र के सुहेला गांव के पास पुलिस मुठभेड़ में आज सुबह 6 बजे मार गिराया। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है। एसटीएफ गोरखपुर इकाई के प्रभारी धर्मेश शाही के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि फिरोज पठान पर बस्ती में 1 लाख, इलाहाबाद में 50,000 का इनाम घोषित था, जबकि अन्य प्रांतों में भी इस अपराधी पर दर्जनों मुकदमे दर्ज थे। बस्ती लूटकांड के अन्य 10 सदस्यों को बस्ती पुलिस ने संयुक्त रूप से मुठभेड़ में 7 लुटेरों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया था। वाराणसी में महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य शिव बारात निकाली गई। शिव बारात में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिली। हिंदू, मुस्लिम और अन्य सभी धर्मों के लोग इस बारात में शामिल हुए। हर साल की तरह इस बार भी शिव बारात में मुस्लिम भाइयों की तरफ से बैंड बाजा बग्घी आदि की निःशुल्क सेवा दी गई है। शिव बारात में देवी देवताओं के रूप में भगवान के गढ़, भूत, प्रेत, पिशाच आदि के बहरूप ये बाराती बने। इसके साथ ही शहर के गणमान्य लोगों के अलावा विदेशी श्रद्धालु भी रथ पर सवार होकर चल रहे थे। ये शिव बारात मैदागन से होते हुए गुदौलिया चौराहे तक गई। रास्ते भर बारात का स्वागत किया गया, कहीं फूलों का छिड़काव तो कहीं बारातियों को ठंडाई पिलाई गई। 33वीं अखिल भारतीय डाक फुटबॉल प्रतियोगिता आज लखनऊ के चौक स्टेडियम में शुरू हुई। 24 से 28 फरवरी तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में पूरे देश से विभिन्न डाक परिमंडलों के लिए फुटबॉल खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। देश भर की 9 टीमों के 171 प्रतिभागी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। आज पहला मैच जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल के बीच खेला गया। उत्तर प्रदेश परिमंडल डाक के चीफ पोस्टमास्टर जनरल कौशलेंद्र कुमार सिन्हा ने आज दूरदर्शन को यह जानकारी दी। पोस्टल फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ है लखनऊ में और इसमें 9 सर्कल्स की टीम्स खेल रही हैं। ये टीम्स जो हैं इसमें कुछ जाने माने प्लेयर्स भी हैं और ये रिप्रेजेंट करती हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।